इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ज़ियारत में एक जलसे से खिताब किया। ये वो जगह है जहाँ पे कल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ और दो मुख्तलिफ वाक़यात में 6 के करीब जो FC अहलकार थे वो शहीद हो गए। और उसके हवाले से पहले ही ये वाक़या मुनज़्ज़म किया गया हो, जो हादसा, बल्कि मैं सानिया कहना चाहिए, हमारे 6 जवान शहीद हुए थे वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में हमें उस साने का कोई शायबा नज़र नहीं आया। आपको अगर नज़र आया हो तो हमारी रहनुमाई कीजिएगा। और जो है वो दोनों, एक वाकया ज़ियारत में पेश आया, दूसरा भी उसके करीब ही पेश आया योब में। तो ये वो कल लेट नाइट्स का था, इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आया, लेकिन तवक्को ये की जा रही थी कि चूंकि आज उन्होंने वहाँ पर जाना था, ज़ियारत का दौरा था, कल से ये शेड्यूल था पहले से, तो कि ये जो इंसर्जेंसी बढ़ रही है। और ये मैं आपको बताता चलूँ रिजवान रही साहब साथ साथ कि कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्वेटा में थे, वो क्वेटा कॉलेज में, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से मुल्क के बाकी जो मामलात हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, रीजनल सिक्योरिटी है, प्लस एक बात जो इंडिया के हवाले से मामलात हैं, दरीना तनाजात हैं, उस पर उन्होंने बात की कि खित्ते में देर पा अमन के लिए जो है वो जनूबी एशिया में दरीना तनाजात का हल होना ज़रूरी है। और साथ साथ कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मरबूत और यकजहती के साथ कोशिशें जो हैं वो की जानी चाहिए। ये कल चीफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टाफ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में ये खिताब किया था। आज इमरान खान ने वहाँ पे जाना था, हम तवक्को कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पे जाकर ये जो ऊपर तले वाक़यात पेश आ रहे हैं दहशतगर्दी के, और बिलखसूस अफगानिस्तान से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पिछले तकरीबन गुज़श्ता 15 से 20 दिन पहले एक वीक के अंदर 2 हमले हुए और उसमें लोग भी शहीद हुए, 6 लोग एक जगह पर शहीद हुए। मेरे अपने गाँव का लड़का वहाँ पर शदीद जो है वो जख्मी हुआ, उसी चेक पोस्ट पे था जिस पर अफगानिस्तान से किया और सीरियस है, पिंडी में एडमिट है। तो ये वो सूरतेहाल थी जिसका तदारुक प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था। हम तवक्को कर रहे थे कि वहाँ पे वो पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, अफगानिस्तान से हालिया जो दर अंदाजी हो रही है पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर, फिर जो इंसर्जेंसी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो बड़ी है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर वाकयात हो रहे हैं, आपके कवाली इलाकों के अंदर जो अब तो KPK का हिस्सा हैं, पहले फेडरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया थे वहाँ पे वाकयात हो रहे हैं दहशतगर्दी के ऊपर तले, फोर्सेज पर हमले हो रहे हैं और वहाँ पर एक मखसूस किस्म का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है पश्तून बेल्ट के अंदर। तवक्को ये की जा रही थी कि हम नॉर्मली बलूचिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ से जो गैस निकलती है वो लाहौर और इस्लामाबाद में इस्तेमाल होती है, वहाँ से जो मादनी वसाइल हैं उनको मुकामी सतह के ऊपर डेवलप नहीं किया जाता, बल्कि मिट्टी तक बलूचिस्तान की गैर मुल्कियों को बेच दी जाती है। वहाँ पे एक रिकोडिक बनने लगता है तो हम कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये हमारे बगैर तो नहीं बन सकता, तो फिर अदलिया के ज़रिए हम वार करते हैं उसके ऊपर और गैर मुल्की कंपनी को भगा के तो अपना एक कंसोर्शियम सामने बिठा देते हैं जिसकी एक या दो कंपनियों का डाटा ही नहीं है, SCCP की वेबसाइट पर गायब है। ठीक है, मैं आपको रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ। और वो बेनाम कंपनियां कौन हैं, उनके मालकान कौन हैं, उनके ऑफिस होल्डर कौन है, हमें नहीं पता होता। हम इतना जो बलूचिस्तान में माजरत के साथ लूटमार कर रहे हैं यार, कोई लॉलीपॉप ही दे देते हैं उनको कि जनाब यहाँ पे CPAC गुजर रहा है जिससे आपकी खुश ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली वाक़या हो जाएगी, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं।
इस तरह का कोई जिक्र ही नहीं किया, उसे एक गली मोहल्ले वाली मैं वाली एक महफिल बना दिया। योर टेक सर। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बदकिस्मती ये है कि पिछले 70 साल से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के अवाम से ताल्लुक़ नहीं रखा, अगर ताल्लुक़ रखा तो वहाँ के सरदारों से रखा और बासर अफराज से। उनको वो भत्ता भी देते रहे, उनको टैक्स भी देते रहे, उनको पैसे देते रहे, लेकिन कभी भी मेरे अपने ख्याल के मुताबिक दो अदवार के बाय द वे ये कंपनी बहादुर की पॉलिसी रही है, ये कंपनी बहादुर की बिल्कुल उसी पॉलिसी पे फिर बाद में हमने काम भी किया और उन्हीं सरदारों को हमने खुश रखने की कोशिश की। तो सिर्फ एक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था और उसके बाद परवेज मुशर्रफ का दौर था। वो क्वेटा वाला जलसा आपको याद है, भुट्टो साहब ने वहाँ पे जो अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद फिर वो दाऊद जो था वो सारा कुछ बड़ी एक हिस्ट्री है ना जी वो। जी हाँ बिल्कुल, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है। तो इसमें यह है कि इन दो अदवार के अलावा शायद किसी भी वक्त वहाँ पर ना तो पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना खुद बलोचिस्तान के अपने जो वहाँ के हुक्मरान बने वज़रा आला आए वहाँ पर, खा मैंगल थे, खा बुगटी थे, या कोई भी था, उन्होंने अवाम की हालत को बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। बाकी जो जहाँ तक बात है वहाँ के वसाइल की, मैं वसाइल का इस्तेमाल नहीं इसकी बात करता, मैं वसाइल की लूटमार की बात करता हूँ कि जिस तरह से बलूचिस्तान के वसाइल जो हैं उसको इस्तेमाल किया गया पूरे बाकी पाकिस्तान में। तो हमने यहाँ पर तो ये कभी ख्याल ही नहीं किया कि वहाँ से ये जो गैस है, ठीक है कि वहाँ मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो इतने दूर दराज होते हैं कि वहाँ पे किसी पाइपलाइन के थ्रू लोगों को गैस सप्लाई करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मेरे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वहाँ के वसाइल से जो चीज़ें जो आप पैसा हासिल करते हैं वो तो कम अज़ कम वहाँ खर्च किया जा सकता था। आज देखिए ना तो सेहत के हवाले से बलूचिस्तान के लोग जो हैं, ना ही हेल्थ के हवाले से, और ना ही कोई इदारे वहाँ पर ऐसे बन सके। अब एक गवादर अगर वहाँ पे बना तो गवादर भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि ये वो इलाका होगा जहाँ पे आपका कानून लागू भी होगा और ये वो इलाका होगा जहाँ मुल्की कवानीन भी शायद लागू ना हो सकें। तो ये हम सूरत हाल करते हैं, हम अपने अवाम की हालत को ओवरऑल पाकिस्तान में कभी भी अवाम की हालत को बेहतर बनाना कभी तरजीह नहीं रहा, लेकिन बिलखसूस बलूचिस्तान को बहुत ही दूर दराज का समझ के वहाँ ये कभी नहीं ख्याल किया गया। फिर अब देखिए बलूचिस्तान पे एक और रजी साहब मुश्किल वक्त आ रहा है, वो ये कि पिछले हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि 75 से ये हमें पता चल गया था कि रशिया इन्वेड करेगा या अमेरिका जो है उसकी नई पॉलिसी क्या होगी। तो 45 साल से बलूचिस्तान और KP ये दो हमारे दो सूबे ऐसे हैं जो एक तरह से बराह रास्त मुतासर हुए अफगानिस्तान की सूरत हाल से, और बलूचिस्तान तो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ। अब जैसे ही अमेरिकन फौजें जिन्होंने अक्टूबर में वहाँ से शायद के सितंबर की डेट है उनकी जो वहाँ से जो निकलने की वहाँ की डेट है, लेकिन अब हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब तो ये फरमा रहे हैं कि 4 जुलाई तक वहाँ से सारी अमरीकी फौजें जो हैं वो जा रही हैं, बल्कि जो उनकी इन कैमरा ब्रीफिंग थी उसमें तो ये बताया गया कि वहाँ से अमरीकी भाग रहे हैं। तो उसके बाद अफगानिस्तान को जिस हालत में वो छोड़ के जा रहे हैं वहाँ से अब दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होगी, और ये दहशतगर्दी जब एक्सपोर्ट होगी तो हमारे दो सूबे जो दोनों हैं इनको पहले मुतासर करेगी। बलूचिस्तान को जहाँ पे बार बार दहशतगर्दी वहाँ हो रही है तो जाहिर है कि ये वहाँ से आने वाले लोग हैं। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आपको पता होगा बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कब्जा किया 1947 में। आपको बता दें बलूचिस्तान भारत और पाकिस्तान से पहले आज़ाद हो गया था, अंग्रेज़ों ने 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को आज़ाद कर दिया था। उसके बाद हुआ ऐसा कुछ कि पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ के जो किंग थे उनसे मतलब ज़बरदस्ती कुछ समझौते किए, जो कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो दबाव में थे या जो भी थे, और समझौते कुछ हुए भी नहीं थे, और उसके बाद बलूचिस्तान पर कब्जा किया हुआ है। जब से बलूचिस्तान में एक आज़ादी का मूवमेंट चल रहा है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और इसमें आबादी के हिसाब से सबसे कम मतलब आबादी यहाँ पर रहती है, क्योंकि इतनी आबादी को इन्होंने मार मार कर इन्होंने पता नहीं कहाँ पे ऐसा गायब किया है कि पाकिस्तान आर्मी मतलब मशहूर है इस चीज़
को करने में। तो बलूचिस्तान की आबादी पाकिस्तान के चारों राज्य हैं जो पाकिस्तान में चार सूबे हैं, पांचवा जिसे वो पीओके पर कब्जा किए हैं उनमें सबसे कम आबादी है। बलूचिस्तान रिसोर्सेज के मामले में नंबर वन है, यहाँ पर गैस निकलती है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, चीन की उन्हीं चीज़ों पर नज़र है। और बलूचिस्तान के क्रांतिकारी बहुत संघर्ष कर रहे हैं और ये क्रांतिकारी आए दिन पाकिस्तान के जो आर्मी वालों को या पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को उड़ाते रहते हैं। तो इसमें कुछ लोग और जुड़ गए हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बलूचिस्तान में दौरा था, उससे पहले ही पाकिस्तान में आप समझ सकते हो बलूचिस्तान में ये इतना बड़ा कांड हो गया और इसे पाकिस्तान की मीडिया ने मतलब बहुत कम कवरेज दी, बहुत ही कम, ना के बराबर, जिससे कि पता ही ना चले कुछ हुआ है। जबकि छः लोग बताए जा रहे हैं, छः पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मारे गए हों। हालांकि आपको बता दें तुरंत पाकिस्तान मीडिया का ब्लेम भारत को लेकर ही होता है इसमें और भारत पर ही आरोप लगाए जाते हैं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया आज से नहीं शुरू से कर रहा है। जबकि ये बलूचिस्तान का अगर हिस्ट्री पढ़ें, बलूचिस्तान का जो इतिहास है वो बताता है कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा है। तो दोस्तों आए दिन भारत पर आरोप लगाने वाले पाकिस्तानी मीडिया को ये देखना चाहिए कि बलूचिस्तान का जो एग्रीमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी से पहले वो क्या था और वो कैसे बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, ये जबरन वाला कब्जा है। तो दोस्तों जैसे आपको याद होगा भारत में सिक्किम 1975 में ऐड हुआ था, लेकिन वहाँ पर जनमत संग्रह और बहुत सारी चीज़ें वहाँ के किंग की परमिशन के साथ ऐड हुआ था, उसी तरीके से बलूचिस्तान में होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान में बहुत सारे ऑपरेशन किए, बहुत सारी चीज़ें की और 1966 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया था। और मुशर्रफ खुलकर बोलता है, जो बलूचिस्तान के एक सबसे बड़े बुक्ति, अकबर बुक्ति शायद उनका नाम है, सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं, कि मैंने उसे मारा, ऐसा खुलकर मुशर्रफ बोलता है। तो पाकिस्तान आर्मी के बलूचिस्तान में जुर्म इतने हैं कि बलूचिस्तान के लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे ऐसा लगता है। और उम्मीद करते हैं अगर भारत समर्थन करता है तो ढंग से समर्थन करे, ये बहुत कमज़ोर वाला समर्थन है, मतलब भारत उन्हें कुछ अच्छे से सिखाए, मुझे लगता नहीं है कि भारत इतना कुछ समर्थन करता है। हालांकि देखते हैं अब आने वाली सिचुएशन में क्या होता है, अगर तालिबान के हाथ में फिर से सत्ता आती है अफगानिस्तान की अमेरिका के निकलते ही, तो डेफिनेटली तालिबान और जो प्रोसेस है वो अफगानिस्तान में गृह युद्ध की होगी और उसके बाद बहुत सारे रिफ्यूजी आएंगे बेसिकली बलूचिस्तान या पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा, और उसके बाद पाकिस्तान में भी इस आग की कुछ लपटें पड़ेंगी और आने वाले समय में सिचुएशन बहुत ख़राब होगी। तो देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बलूचिस्तान के हिस्से में अमेरिका को अड्डा दिया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, जो तालिबान के ख़िलाफ़ यूज़ होगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।